साथ ही सीजी स्कूल डॉट इन का पोर्टल में एक नया अपडेट आया हुआ है। एक नया निर्देश दिया गया है जिसके अनुसार अब शिक्षकों को अपना नॉमिनी का जानकारी को फिर से भरना होगा। लेकिन कुछ साथी अपना जानकारी को फाइनल सबमिट कर चुके हैं और डीडीओ को सेंड कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में उनको अपना नॉमिनी का जानकारी को अपडेट करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है। तो अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो सबसे पहले जो आपके डीडीओ हैं वो आपका पूरा प्रोफाइल डेटा को रिवर्ट करेंगे, उसके बाद में ही आप अपना जानकारी को एडिट कर सकते हैं या फिर आप नॉमिनी का जानकारी को भर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में चयन कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल में नया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही सीजी स्कूल डॉट इन का पोर्टल में नॉमिनी का जानकारी को एडिट करने के लिए, अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले सीजी स्कूल डॉट इन का नया पोर्टल से विजिट करना है, जिसमें आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करने के बाद में इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर शिक्षा को चयन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर पुनः ना दिखाएं, इसमें आपको आंसर दे देना है और उसके बाद में आपको उत्तर देने पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर बाएं साइड में तीन लकीर का चिन्ह दिखाई देता है, वहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद शिक्षा के कार्य का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अगले ऑप्शन में यहाँ पर शिक्षक संबंधी विवरण दिया जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में आपके या टीचर का जितना भी प्रोफाइल है उसको दिखा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का जानकारी को अपडेट करने के लिए, ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर आप तीन नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में यहाँ पर नाम, जन्मतिथि, आयु और शिक्षक से या फिर आपसे जो संबंध है उसको एडिट करना होता है, ऐड करना होता है। तो यहाँ पर सबको ये भरने के बाद में ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद में यह जानकारी ऐड हो जाता है। उसके बाद में क्रमशः आप यहाँ पर पुत्र का जानकारी को और पुत्री का जानकारी को ऐड कर सकते हैं। आप अपने फैमिली में जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप तीन व्यक्तियों को अपना नॉमिनी बना सकते हैं और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा के क्रम में यहाँ पर प्राथमिकता को चयन करना होता है। तो यहाँ पर जैसे आप सभी जानकारी को ऐड कर लेते हैं उसके बाद में इस प्रकार से आपके द्वारा जो भी नॉमिनी को या व्यक्ति को नॉमिनी बनाया जाता है उनका जानकारी को यहाँ पर पूरा दिखा दिया जाता है। उसके बाद में इस प्रकार से जब सभी जानकारी को आप भर लेते हैं या भर लेंगे, उसके बाद में अगले स्टेप में आपको इन सभी जानकारी को सेव ड्राप करना होता है और अंत में सभी जानकारी को पूरी तरह से मिलान करने के बाद में आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होता है। तो इस प्रकार से आप सीजी स्कूल डॉट इन का पोर्टल में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी के रूप में शामिल कर सकते हैं और अपना सभी जानकारी को डीडीओ को सेंड कर सकते हैं। तो जानकारी बढ़िया लगा तो वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस चैनल में नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।